अभी तक हमने मॉस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो फिर क्या होगा तो एक बायसिंग लेकर के चलेंगे जिसमें कि हमारा बॉडी टर्मिनल तो ग्राउंड पर ही रहेगा और जो गेट पर हमने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई करना है यानी कि गेट हमारा कंट्रोलिंग पैरामीटर है तभी तो उसका नाम गेट है ना ओके तो जो हम गेट पे डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें तीन ऑपरेटिंग मिलेंगे डिप्लीशन एंड इन्वर्जन तो सबसे पहले हम का केस देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है वो तो ग्राउंड पर है और जो गेट है उस पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने लिया है बॉडी के लिए तो ये आपका एन मॉस है अगर यहीं पर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता बॉडी का तो हम

कैरियर की बात की गई है तो हम बोलेंगे कैरियर एकट हो गए हैं एनर्जी बैंड्स की अगर बात करें तो हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है ऑक्साइड फील्ड के डायरेक्शन अपवर्ड है इस वजह से जो एनर्जी बैंड्स है वो हमारे बेंड हो जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जब आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो, देख इसमें जो है, वो इस तरीके से हमारे हो गए हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए हैं हाँ ये कंप्लीटली अपोजिट है जो हमने मॉस सिस्टम का देखा था और एक डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है जो हमारा मेटल uh, की फर्मी लेवल को भी चेंज करता है अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन का क्या होगा हमने होल्स की कंसंट्रेशन डिस्कस कर ली इलेक्ट्रॉन्स तो भाई पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स होता है जैसे ही उसको नेगेटिव वोल्टेज का इंफ्लुएंस मिलेगा यानी ऑक्साइड की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुष्ट होकर के डीप इनटू द बल्क चले जाएंगे वो अपनी जगह को छोड़ देंगे तभी वहाँ पर होल्स की एक्मिलेशन स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट हम केस डिस्कस करते हैं डिप्लीशन रीजन का ये ऑलमोस्ट वही केस है जो आपने पी एन डायोड में डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन देखा था वैसा ही है कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पी टाइप सीमी कंडक्टर है तो हमने गेट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया पॉजिटिव अप्लाई करेंगे बॉडी जो है वो हमारा ग्राउंड से अटैच है तो ऑक्साइड फील्ड के डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड हो गई डाउनवर्ड होने से क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पर होल्स थे वो अब इस फील्ड के इफेक्ट में पुष्ट हो गए इस इंटरफेस सेक्शन से वो हट चुके हैं बॉडी के बल्क में जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने फिक्स्ड एक्सेप्टर आयंस को छोड़ दिया है उनको छोड़ करके वो रिपेल कर गए हैं सबस्ट्रेट में ओके okay. तो अगर वहां से हमारे कैरियर्स मूव कर गए और फिक्स्ड आयंस बचे हैं तो क्या फॉर्म होता है तभी तो डिप्लिशन रीजन बन जाएगा सो डिप्लीशन रीजन हमारा इस सरफेस के आसपास बनना शुरू हो जाएगा सो दिस इज द इंटरफेस रीजन बिटवीन सेमी कंडक्टर एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड अब यहाँ पर कोई भी हमारे पास मोबाइल कैरियर्स नहीं बचा है तभी हम इसको डिप्लीशन रीजन बोल रहे डिप्लीटेड ऑफ ऑल मोबाइल कैरियर्स तो ऑक्साइड फील्ड की डायरेक्शन देखें तो डाउनवर्ड है जिससे एनर्जी बैंड्स पे क्या असर पड़ेगा तो देखिए एनर्जी बैंड्स हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए हैं और जो फर्मी लेवल था मेटल का वो भी नीचे आ गया है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिप्लेशन रीजन में हमारी होल्स की मूवमेंट हो गई है तो इससे हमारी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की पर क्या फर्क पड़ रहा है छोटी सी एक दो डेरिवेशन है उनको देखना है एंड लास्टली हम इनवर्जन रीजन को डिस्कस करेंगे तो सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए स्किप मत करिए वरना कुछ समझ में नहीं आएगा एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दिस कि अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे